गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बेटा तो इलास्टिसिटी कंटिन्यू करेंगे आज हम इस ट्रेन से, है ना? बेटा विकृति क्या होती है? विकृति जब भी हम किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाते हैं तो उस वस्तु का आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, इनमें परिवर्तन होता है ना? तो अभिविन्यास में कोई भी परिवर्तन हो तो प्रारंभिक अभिविन्यास से भाग देने पर जो राशि आती है वो विकृति कहलाती है। बेटा जब भी हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का साइज, शेप, लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम कुछ भी चेंज हो सकता है, इसे कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का जो रेशो होता है वो कहलाता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं हम, विकृति बराबर लाइन के ऊपर आएगा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अभिविन्यास में परिवर्तन बेटा अपॉन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि प्रारंभिक अभिविन्यास। अभिविन्यास कुछ भी हो सकता है, लंबाई भी हो सकती है, आयतन भी हो सकता है और शेप, इसकी आकृति भी हो सकती है। बेटा एक बार कंफर्म कर दो, आपको सुनाई दे रहा है ना सभी लोगों को ढंग से? यस। तो बेटा ये जो स्ट्रेन होता है विकृति, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है बेटा, मात्रक विहीन। इसकी कोई मात्रक नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी अभिविन्यास है, नीचे भी अभिविन्यास है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब तीन तरह के स्ट्रेन हम डिफाइन करेंगे बेटा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल। जब हम किसी वायर को खींचते हैं, तार को खींचते हैं, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। तो लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति लिख लो बेटा, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, गुड इवनिंग सर। आयतन विकृति। अरे कहां से आ रहा है भाई इतना लेट? सर वो मुंह धोने गया था भैया, हमें तो शक्ल दिख नहीं रही, फिर क्या फायदा हुआ मुंह धोने का ये बता। सर खुद का हाइजीन नाम का भी तो कुछ चीज होता है ना।
अब देख मैं तो मुंह धोकर आया क्योंकि मुझे तो शक्ल दिखानी थी तुम लोगों को, लेकिन तेरी तो दिखी नहीं थी ना, फिर क्या फायदा हुआ। सेल्फ हाइजीन, हमें तो नहीं लगता, हम तो दूसरों को दिखाते हैं भैया, तभी नाते धोते हैं, वरना हम तो ऐसे ही रहते हैं। सर आजकल जरूरी हो क्या कैसा? आजकल तो आजकल घर में पड़े हुए तो हम नाते धोते ही नहीं है, देखो ऐसे ही बैठे रहते हैं। हाँ सो रहा होगा, ये असल बात है। देख अब आइए ना मुद्दे की बात। क्या क्या क्या, एक सेकंड रिपीट करना। सो के उठा है बोल दिया वो। हाँ तो इसीलिए तो मुंह धोऊंगा ना, ऑफ कोर्स है, उसमें कोई बड़ा वही तुम तो जमाते रहता बैठ। उसकी थी नहीं, उसकी बायो की क्लास तो थी नहीं, तुम लोग तो बायो लेकर आ रहे हो। चलो बेटा पढ़ाई करते हैं। तो आयतन विकृति दूसरे नंबर पर है। आयतन विकृति ये होता है आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तीसरा होता है बेटा शियर स्ट्रेन। दरअसल शियर स्ट्रेन को पार्श्व विकृति भी बोलते हैं, अपरूपण विकृति भी बोलते हैं, कुछ भी बोल देती है पार्श्व। एक और नाम याद आया इसका, पार्श्व विकृति। तो बच्चों ये विकृति एंगल की फॉर्म में नापी जाती है। जैसे इस डायग्राम को मैं यहां से नीचे ले जाता हूं, तो मान लीजिए हमने इस क्यूब पर कोई फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने से क्या होगा बेटा, ये क्यूब जो है ना ये विकृत हो जाएगा ऐसे। इस तरह से ये थोड़ा सा विकृत हो गया फोर्स लगाने से। ये वाला फोर्स लगाया था ना हमने, तो फोर्स लगाने से ये थोड़ा सा विकृत हो गया। तो बच्चा ये जो एंगल अब बना, इसको भी फिल कर देते। अब ये जो एंगल बनेगा यहां पर, देखो मैं एंगल बना रहा हूं, ये जो कोण बनेगा ना फाई, इस एंगल को ही हम शियर स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहां पर शियर स्ट्रेन एंगल की फॉर्म में होता है, कोण के रूप में, तो इसे बोलते हैं शियर स्ट्रेन। वैसे अगर आप देखो तो ये इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। बच्चों मान लो ये एक्स खिसक गया ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला सरफेस जो है उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो एक्स हो गया और इसकी लेंथ एल है, तो हम फाई को एक्स बाई एल लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, ऊपर वाला जो सरफेस है वो ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होता, थोड़ा सा ही डिस्प्लेस होता है, इसलिए फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल लिख सकते हैं। डायग्राम में मैंने बहुत ज्यादा डिस्प्लेस दिखा दिया, वरना जरा सा विस्थापित होता है ये। तो बच्चों ये तीन तरह की विकृतियां होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेन यानी कि आयतन विकृति, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। तीसरा होता है शियर स्ट्रेन यानी कि पार्श्व विकृति या अपरूपण विकृति, ये होता है फाई बराबर एक्स बाई एल, और एक्स डायग्राम में दिख रहा है आपको। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब लिखो हुक्स लॉ। कोई जानता है इसके बारे में, हुक का नियम? एक बार क्या हुआ बेटा, हुक्स लॉ को हम लिखते हैं ना हुक का नियम। तो एक बार है ना मैंने ऐसे ही बोला क्लास में, बच्चों लिखो हुक का नियम, तो एक बच्चे ने ये लिख दिया सर हुक्का नियम। उसे पता नहीं कहां से हुक्का पानी याद आ गया। तो मैं अब ना उस दिन के बाद इसको बहुत सावधानी से बोलता हूँ, हुक का नियम अलग अलग बोलता हूँ, हुक का नियम। चलो आप में से आता है किसी को तो बता दो बेटा, फिर अच्छा लगेगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। करेक्ट। यदि हम किसी वायर को, किसी भी वस्तु को प्रत्यास्थ सीमा के अंदर बल लगाएं,
इलास्टिक लिमिट, आगे जाकर बताऊंगा इलास्टिक लिमिट क्या होती है। तो प्रत्यास्थ सीमा में किसी भी वस्तु पर लगाया जाने वाला प्रतिबल उसकी विकृति के समानुपाती होता है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट यानी कि प्रत्यास्थ सीमा में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हिंदी में लिख लेना बेटा, प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल समानुपाती विकृति। और बच्चों एक कांस्टेंट आता है उसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, इनटू स्ट्रेन समानुपाती का नियतांक है प्रतिबल बराबर प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बेटा हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति। और अगर हम अलग से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखना चाहें तो ये आएगा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, उल्टा हो गया रुक जा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल अपॉन विकृति। तो बच्चों किसी भी वस्तु के लिए प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटा विकृति, है ना। इसे लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर हम प्रत्यास्थ सीमा से बाहर चले जाते हैं ना तो फिर ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती नहीं रहते, मैं बाद में बताऊंगा। अगर हम इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई कर दें किसी बॉडी पर तो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रहते, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। बच्चों अब हमारे पास तीन तरह के प्रतिबल और तीन तरह की विकृतियां है ना, इसलिए तीन तरह के प्रत्यास्थता गुणांक आएंगे। इंग्लिश में बोल रहा हूं, हमारे पास तीन स्ट्रेस और तीन स्ट्रेन है इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन आएंगे। और उसी कैटेगरी में सबसे पहला हमारा नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा यंग्स मॉडुलस को वाई से लिखते हैं और ये वाई होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लिखते जाना बेटा अभी मेरे साथ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल याद है एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर था, अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल अपॉन एल था। तो वाई बराबर आ गया एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो बच्चों ये फार्मूला आपको याद करना है। लिख लो यंग मॉडुलस, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, हिंदी में क्या बोलते हैं यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। अगर वाई पता हो अच्छा वाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है,
वाई किस पर? वाई बेटा पदार्थ पर निर्भर करता है बस। लोहे के तार के लिए वाई अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, ऐसे सबके लिए वाई अलग अलग होता है ना। आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी, क्वेश्चन में देगा। तो बच्चों क्वेश्चन में ज्यादातर वाई देगा, हमें वाई नहीं निकालना, वाई तो देगा, हमें ज्यादातर डेल्टा एल निकालना होता है। तो डेल्टा एल का फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई, ऐसे याद रखना, ज्यादा अच्छा रहेगा ये। तो बच्चों हमें वाई पता है, वाई किस ऑर्डर का होता है, इसकी मतलब लगभग कितना होता है, वैल्यू क्या होती है, आपको पता है वाई की? नहीं पता, कुछ तो पता होगा अंदाजा, किस ऑर्डर का होता है सर? ऐसे 10 टू द पावर 12 टाइप का मतलब? हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, 10 की पावर 11। स्टील का जो होता है वो 10 की पावर 11 होता है। इसलिए बच्चों डेल्टा एल बहुत ज्यादा नहीं आता है, ऐसा थोड़ी ना किसी तार को खींचोगे तो 1 मीटर का तार 2 मीटर का हो जाएगा। स्टील के तार को खींचने पर मुश्किल से 1 mm 2 mm लंबाई बढ़ती है बस, ज्यादा नहीं बढ़ती, तुम खुद ही देख लो ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी अपन। बेटा स्टील के लिए वाई ले लो 2 × 10^11। अच्छा वाई की यूनिट क्या होगी बताओ? पास्कल। हाँ पास्कल सही। तो बच्चों स्टील के लिए वाई 2 × 10^11 है, और एक तार है जिसकी लंबाई है 1 मीटर और उसका रेडियस है 1 mm, और आपने उस तार पर, उस वायर पर एक द्रव्यमान लटका दिया 20 किलो का। एक तार है 1 मीटर लंबा, छत से लटका है, उसकी लंबाई है 1 मीटर और उसकी त्रिज्या 1 mm है, और 20 किलो का वजन लटका दिया तार के नीचे, तो बताओ इसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी? अब ये फार्मूला लगाना है सिंपल सा, छोटी सी कैलकुलेशन करनी है आपको बस। बेटा 20 किलो का वजन लटकाएंगे ना तो बल आ गया एमजी, ध्यान रखना। हाँ एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई, हाँ एफ जो होगा वो एमजी होगा ना, भार लटकाया है। वैल्यू रखो एमजी हो जाएगा 200 न्यूटन, जी को 10 ले लो, एल आपका 1 मीटर है, पाई का मान रखना पड़ेगा, आर है 10^-3, तो आर स्क्वायर 10^-6 हो जाएगा, और वाई आएगा 2 × 10^11। तो 10^-5 नीचे बचा, 11 में से 6 गए, प्लस 5 ऊपर जाएगा, -5 आएगा, 2 से 2 काट दो, ये लो नक्की। तो ये आ गया 1/π, 3.14 को वापस पाई लिख दिया, और 10^-3 बचेगा बेटा मीटर में, तुम खुद देख लो 1/π mm ये लंबाई में वृद्धि हुई, 1/π आएगा लगभग लगभग 0.3 के आसपास, 0.3। तो 0.3 mm लंबाई में वृद्धि होगी स्टील के तार की, अगर आप 20 किलो का वजन लटका दे, सोचो। तो बेटा ज्यादा लंबाई नहीं बढ़ती, हाँ लगभग लगभग 0.3 mm आएगा, ये लिख रहा हूं मैं, ये है।
बच्चों, समान लंबाई के और समान पदार्थ के मैं आपको चार वायर की ग्राफ दे रहा हूं, पहले बना दूं है ना, तब बोलने में अच्छा लगेगा। बच्चों यहां पर हम बल ले रहे हैं और यहां डेल्टा एल, ये चार ग्राफ आए, एक ग्राफ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। समान लंबाई और समान पदार्थ के चार वायर है, उनके लिए एफ और डेल्टा एल के ग्राफ आपको दे रखे हैं। ये चार ग्राफ है बेटा, ये पहला ए, ये बी, ये सी और ये डी। समान लंबाई और समान पदार्थ के चार तार है ए बी सी डी, उनके लिए एफ और डेल्टा एल का ग्राफ है। आपको बताना है इन चारों में से सबसे पतला वायर कौन सा है, इन चारों में सबसे पतला तार कौन सा है। थिनेस्ट वायर ढूंढना है आपको। सबसे पतला तार आपको बताना है कौन सा है। और मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन आसान ही है, क्योंकि आप ढाल से देख लो, एफ ओ डेल्टा एल में ग्राफ बनाओगे तो ढाल क्या आएगा, पहले तो ये देखो। पहले भी बच्चों ने आंसर दिए थे, मैंने चैट बॉक्स खोला ही नहीं आज। और इस क्वेश्चन का आंसर चरणजीत कह रहा है ए आएगा, मनीष कह रहा है ए आएगा, साक्षी कह रहे ए, और जतिंदर भी ए। चलो सारे बच्चे ए बता रहे हैं। चलो तो बच्चों हम है ना इस वाले फार्मूले को काम में लेंगे। इस वाले फार्मूले में F एक तरफ कर लो, डेल्टा L दूसरी तरफ कर लो, है ना। तो F बराबर आएगा Y A बाई L इंटू डेल्टा L, सही लिखा है ना, मैंने पाई आर स्क्वायर को ये लिख दिया, Y A बाई L इंटू डेल्टा L। तो बच्चों अगर मैं F में और डेल्टा L में ग्राफ बनाऊं तो सरल रेखा का जो ढाल है स्लोप वो आएगा वाई ए बाई एल, यानी कि जो स्लोप है वो डायरेक्टली क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल है। तो जिसका ढाल सबसे कम होगा उसका क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट भी सबसे कम होगा और वो सबसे पतला होगा। तो हमारा आंसर आएगा ए, सबसे पतला तार वो होगा जिसमें सरल रेखा का ढाल स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन मिनिमम है। इन चारों में सबसे कम स्लोप किसका है, ए का, तो ए सबसे पतला तार होगा। भैया बात समझ में आ गई ना? यस सर। हाँ बच्चों दो तार हैं अपने पास, दोनों की लेंथ बराबर है, क्रॉस सेक्शन बराबर है ना, दोनों का अनुप्रस्थ काट और लंबाई बराबर है, लेकिन दोनों का पदार्थ अलग अलग है। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, डायग्राम बना देता हूं तो ठीक रहेगा।
एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है बेटा, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, दोनों की लेंथ और अनुप्रस्थ काट बराबर है, लेकिन वाई अलग है बेटा। ठीक है, तो इन दोनों वायर को अपोजिट साइड में खींचा, इसको इधर खींचा और इसको इधर खींचा, है ना, दोनों को खींच रहे हैं। तो बेटा दोनों वायर में मिलाकर जो लंबाई में वृद्धि हुई वो 2 mm हुई, 2 mm, 2 mm दोनों वायर की लेंथ में टोटल चेंज है। और एक बात और दे रखी है, इन दोनों के यंग का जो प्रत्यास्थता गुणांक है Y1 और Y2 वो 2/3 का रेशो है। आपको ये बताना है पहले तार की लंबाई में अलग से कितनी वृद्धि होगी और दूसरे तार की लंबाई अलग से कितनी बढ़ेगी। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो, हमारे पास 2 वायर हैं, दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शन सेम है लेकिन मटेरियल अलग है। पहले वाले का यंग्स मॉडुलस Y1 है, दूसरे वाले का Y2 है और Y1 और Y2 का रेशियो 2/3 है। जब हमने दोनों तारों को खींचा तो दोनों की टोटल लेंथ में जो चेंज आया वो 2 mm आया। तो आपको बताना है प्रत्येक वायर, ईच वायर में कितना चेंज आएगा लेंथ में। करो, इंडिविजुअल वायर में कितना कितना चेंज आएगा ये बताना है बेटा। ठीक है, मनीष का आंसर आ गया। धर्मेंद्र उल्टा आ रहा है तुम दोनों का, मनीष का धर्मेंद्र का आंसर उल्टा आ रहा है। चलो मैं बताता हूं बच्चों, क्योंकि दोनों वायर सीरीज में है तो दोनों में बल बराबर होगा, तनाव समान होगा, यानी कि दोनों में एफ सेम होगा। अरे हमें पता है डेल्टा एल का जो फार्मूला होता है वो लिखाया था ना ऊपर आपको, वो होता है एफ एल अपॉन वाई ए। क्या होता है बेटा? एफ एल अपॉन वाई ए।
अब दोनों वायर में F सेम है, दोनों वायर का L सेम है, दोनों वायर का A सेम है, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा L जो होगा वो Y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 Y2 अपॉन Y1 होगा, और Y2 अपॉन Y1 क्वेश्चन में जो दिया है वो 3/2 दिया है। तो बेटा 2 मिलीमीटर कुल लंबाई में वृद्धि थी, अब 2 मिलीमीटर को 3:2 में बांटो, तो बच्चों 3:2 में बांटोगे तो डेल्टा L 1.2 mm आएगा और डेल्टा L2 0.8 mm आएगा, ये आपका आंसर आ गया। देख लो अनुपात भी 3:2 आ गया और इन दोनों का टोटल 1.2 और 0.82 mm आ गया ये वाला। बच्चों यंग्स मॉडुलस के बाद अगला मॉडुलस लिखो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी, बी लिखते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, हिंदी में बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो बच्चों बी होगा आयतन प्रतिबल वॉल्यूम स्ट्रेस बेटा आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस याद है आपको हमने क्या बताया था? दाब के बराबर होता है आयतन प्रतिबल, हाँ आयतन प्रतिबल दाब के बराबर होता है, देखो यहाँ लिखवाया था। तो बच्चों इसे दाब लिखने की जगह दाब में वृद्धि लिख रहा हूं, क्योंकि हम जो बल लगाएंगे ना उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा वो है, और नीचे आएगा डेल्टा वी बाई वी, और माइनस लगा रहा हूं क्योंकि अगर दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी आएगा, इसलिए माइनस लगा रहा हूं बेटा। बेटा बल्क मॉडुलस सामान्यतः हम लिक्विड के लिए और गैस के लिए डिफाइन करते हैं, और यंग्स मॉडुलस सॉलिड्स के लिए। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक हम ठोस वस्तुओं के लिए काम में लेते हैं, जबकि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक द्रव और गैस के लिए काम में आता है। ये भी लगभग 10^9 के आसपास का होता है बेटा, 10^9। तो ज्यादातर आपको इसमें डेल्टा वी बाई वी निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम डेल्टा वी बाई वी लिख देते हैं। डेल्टा वी बाई वी आएगा डेल्टा पी माइनस अपॉन बी, वैल्यू देगा पुट कर देंगे काम खत्म। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये बल्क मॉडुलस जो है ना इसकी भी यूनिट वही पास्कल ही आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अलग से कोई नहीं पास्कल ही आएगी। बच्चों एक रबर की बॉल को मैं पानी में ले गया नीचे, एक रबर की बॉल को मैं पानी में ले गया नीचे 100 मीटर, 100 मीटर नीचे पानी में ले गया। चलो ए रबर बॉल इज टेकन इनसाइड वाटर एट ए डेप्थ ऑफ 100 मीटर, एक रबर की गेंद को पानी में 100 मीटर नीचे ले गए। पानी में 100 मीटर ले गए बेटा, रबर का जो बी है ना वो काफी कम होता है, 2×10^3 पास्कल मान लो बस, आप रबर का बल्क मॉडुलस काफी कम होता है, इससे रबर आसानी से दब जाता है। तो एक रबर की बॉल को पानी में ले गए 100 मीटर नीचे, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए कितना होगा? अंदर पानी में नीचे ले जाने पर दाब बढ़ता है ना बेटा, दाब बढ़ने से उसका वॉल्यूम कम होगा, तो
आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। हाँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज मुझे अलग से बतानी पड़ेगी, वो सुन लो बेटा। जब किसी वस्तु को पानी में ले जाते हैं ना नीचे, तो दाब में वृद्धि होती है, रो जी एच। पानी का रो होता है 10^3, जी का मान भी 10 ले लो, और मैं 100 मीटर नीचे ले गया तो डेल्टा पी जो आया वो 10^6 आ गया पास्कल में। तो ये मैंने बता दिया, आगे का काम आप करोगे। अब आयतन में प्रतिशत परिवर्तन आप निकालोगे बेटा। डेल्टा पी मैंने निकाल दिया, ये रो जी एच है ना, मैं फ्लूइड में पढ़ाऊंगा बस, फ्लूइड के अंदर। फिफ्टी परसेंट आ रहा है क्या बेटा? पांच सौ परसेंट आयतन में कैसे चेंज आता है मेरा बच्चा? है आयतन में 500% का चेंज कैसे आ सकता है? मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी वैल्यू देने में? 100% से कम तो कम कोई आयतन हो ही नहीं सकता ना। पूरा खत्म कर दोगे तो भी 100% ही तो कम होगा बेटा। तो देखो कैलकुलेशन में कहां गलती की। तो बेटा जितने लोगों ने 500 दिया है वो जरा चेक करो। साक्षी का 50% है और मनीष ने दोबारा बताया है 5%। चलो करते हैं अब हम। तो बेटा प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। डेल्टा वी बाय वी निकालते हैं तो ये आएगा डेल्टा पी बाय बी। डेल्टा पी कितना है? 10^6 और बी मैंने कितना दिया है? 2×10^3। हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई यार, कुछ तो गड़बड़ हो गई। हाँ 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 कुछ गड़बड़ हो गई वैल्यू में। एक मिनट रुको मुझे देखने दो। या तो मुझे लग रहा है बी की वैल्यू गलत आ गई होगी, 2×10^3 नहीं होगा। हाँ कम तो होता है, मैं चेक करता हूँ एक मिनट रुको। एक मिनट चेक करने दो। बेटा इसको 10^3 नहीं 10^8 कर लो, ये 3 बन गया गलती से। आप लोगों की गलती नहीं है इस बार, तो हमारी गलती हो गई। तो डेल्टा वी बाय वी जो होगा वो 1/200 बचेगा। और बेटा परसेंटेज निकालना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो 1/200×100 तो बेटा 0.5% का चेंज आएगा। ये अब सही बना है क्वेश्चन। तो 10^8 10^3 बन गया गलती से, 8 और 3। हाँ टाइपिंग। तो बच्चों अगर एक रबर की बॉल को हम पानी में ले जाएंगे 100 मीटर नीचे, तो इतनी गहराई में ले जाने के बाद भी केवल 0.5% वॉल्यूम कम होगा। बस सिर्फ 0.5% ही वॉल्यूम कम होगा, आयतन कम होगा।
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बल्क मॉडुलस के बाद तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये इस पर क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका सिंबल होता है ईटा, हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, तो बच्चा दृढ़ता गुणांक होता है पार्श्व प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल कुछ भी लिख लो बेटा, पार्श्व विकृति, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस याद है क्या था? टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, और शियर स्ट्रेन फाई था। बच्चों इस पर आपको क्वेश्चन ना के बराबर मिलेंगे। शियर स्ट्रेस जो है वो स्पर्श रेखीय बल अपॉन क्षेत्रफल था, और शियर स्ट्रेन जो है वो फाई था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको। तो बच्चों ये तीन तरह के प्रतिबल और तीन तरह की विकृतियां के अनुसार, तीन तरह के बल्क मॉडुलस थे, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक थे। पहला यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बच्चों इन तीनों के अलावा एक दो चीजें और होती हैं, वो भी लिखा देता हूं। एक होता है पॉइजन रेशो, नाम सुना है? पॉइजन रेशो, पॉइजन अनुपात लिख लो, पॉइजन अनुपात। बच्चों जब भी हम किसी तार को खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है परंतु उसका अनुप्रस्थ काट कम हो जाता है, तार पतला हो जाता है। जब भी किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाती है परंतु उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। इसलिए वायर में दो तरह के स्ट्रेन डिफाइन होते हैं, दो तरह की विकृतियां परिभाषित होती हैं। लिखो, जब भी किसी तार को खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है परंतु अनुप्रस्थ काट कम हो जाता है। When a wire is stretched, when a wire is stretched, its length increases but cross section decreases. Length increases but cross section decreases. Full stop. Hence, two types of strain are defined here. अतः यहां पर दो तरह की विकृतियां होती हैं, दो तरह की विकृतियां होती हैं, two types of strain are defined here. तो बच्चे दो तरह की विकृति सुन लो। उन दोनों विकृतियों का पहली होती है, मैं नाम लिख दूं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हिंदी में बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति बेटा, डेल्टा एल बाई एल, ये वही है जो पहले बताया था। दूसरा होती है ट्रांसवर्स स्ट्रेन, अनुप्रस्थ विकृति, डेल्टा डी बाई डी, माइनस लगाएंगे क्योंकि लंबाई बढ़ेगी और व्यास में कमी आएगी। बेटा डेल्टा डी बाई डी क्या है? चेंज इन डायामीटर अपॉन इनिशियल डायामीटर, व्यास में कमी बेटा प्रारंभिक व्यास। वायर का डायामीटर है कैपिटल डी। तो बेटा पॉइजन रेशो जो होता है, सिग्मा लिखते हैं पॉइजन रेशो को,
वो इन दोनों विकृतियों का अनुपात होता है। लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ऊपर ट्रांसवर्स आता है बेटा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। ये होता है बेटा पॉइजन रेशो, अनुप्रस्थ विकृति बेटा अनुदैर्ध्य विकृति। बच्चों एक लाइन इसमें आपको याद करनी है, जो सिग्मा होता है ना बेटा उसका सैद्धांतिक मान यानी कि थ्योरिटिकल वैल्यू माइनस वन से लेकर वन बाई टू के बीच में होती है, बस ये ध्यान रखना, लिख लो ये लाइन, थ्योरिटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस हाफ, माइनस वन टू प्लस हाफ। हिंदी में लिखो, सिग्मा का सैद्धांतिक मान होता है सिग्मा का सैद्धांतिक मान माइनस एक से प्लस एक बटा दो के बीच होता है। ये लो मैंने लिख दिया, थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है वो ये होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू तो और भी अलग होती है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। थ्योरेटिकल वैल्यू माइनस वन से प्लस हाफ के बीच में होती है बेटा। ये देखो कितना अंतर है ना इन चैप्टर्स में और अपन जो मैकेनिक्स पढ़ते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते थे, वहां हर चीज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती थी, या मैक्सिमम चीजें अपन को याद करनी है। कितनी चीजें याद करने के लिए बताओ, बच्चों मैंने अब आपको चार तरह के कॉन्स्टेंट बताए हैं, पहला यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तीसरा दृढ़ता गुणांक, चौथा पॉइजन रेशो। इन चारों में दो रिलेशन बता रहा हूं, वो याद करना है, रिलेशन अमोंग वाई बी ईटा एंड सिग्मा। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। मुझे शक हाँ मुझे शक हुआ था इसलिए मैंने कहा कंफर्म कर ले तो अच्छा है, कुछ डाउट हुआ था ऐसे। बच्चों सिर्फ दो रिलेशन है और बिल्कुल याद करने हैं, पहला वाई बराबर टू बीटा वन माइनस टू सिग्मा, ये बिल्कुल मत पूछना कहां से आए, मुझे भी नहीं पता। एक मिनट रुको 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 रुको, मत लिखना। ये थ्री बीटा है, थ्री बी। अब लिख लो वाई बराबर थ्री बी वन माइनस टू सिग्मा और वाई बराबर टू ईटा वन प्लस सिग्मा। इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप कितना वजन देना है आपके ऊपर, आपको उसके ऊपर ये पता लग जाए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो रिलेशन मैंने अभी अभी लिखाए हैं बेटा, इम्पोर्टेंट तो ये वाला एरिया था, ये जो क्वेश्चन कराए ना मैंने, बस ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आने के चांस बनते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हिंदी में बोलेंगे
क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सुनो बेटा, जब भी हम किसी वायर को खींचते हैं, तार को खींचते हैं, तो बेटा हमें तो तार को खींचने में वर्क करना पड़ेगा ना, कार्य करना पड़ेगा। हमारा ये कार्य जाएगा कहाँ? हमारे द्वारा किया गया कार्य उस तार के अंदर एकत्रित हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में एकत्रित हो जाता है ना, उसी तरह। तो जब भी हम किसी तार को, वायर को स्ट्रेच करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और हमारा ये वर्क वायर के अंदर स्टोर हो जाएगा। उस स्टोर एनर्जी को ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लिखो, जब भी किसी तार को खींचते हैं तो बाह्य बलों द्वारा कार्य किया जाता है। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड कॉमा वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड कॉमा वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यह कार्य तार के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। यह कार्य तार के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इनसाइड द वायर एज पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज स्टोर्ड इनसाइड द वायर एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख लो, U बराबर 1/2 गुणा प्रतिबल। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही लिखते हैं, जब से इंग्लिश में लिख रहे हैं हिंदी में बोल देता हूं। 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये मेन फार्मूला है बेटा, 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। अब इसको जरा फार्मूला वैसे वाला बना ले बेटा। प्रतिबल को हम एफ अपॉन ए लिखेंगे, विकृति को डेल्टा एल बाई एल लिखेंगे, वॉल्यूम अनुप्रस्थ गांठ गुणा लंबाई होता ही है आयतन, तो ए और एल कट गया भैया। तो हमारा यू का फार्मूला बन गया 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। बस हाँ, अब आप चाहें तो एफ का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको शुरू में मैंने एफ बताया था, याद हो तो। खुलजा सिमसिम कहाँ गया एफ, ये रहा। यहां से एफ निकाल लो, एफ आएगा वाई इंटू ए डेल्टा एल बाई एल। तो ये वैल्यू हम वहां पुट कर सकते हैं, एफ बराबर होता है वाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो बच्चों अगर एफ की ये वैल्यू मैं यू में रख दूं तो यू का फार्मूला आएगा हाफ वाई ए अपॉन एल डेल्टा एल का स्क्वायर। बेटा उस फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे ना, थोड़ा सा गौर से देखो तो बेटा ये फार्मूला बिल्कुल स्प्रिंग वाला हाफ के एक्स स्क्वायर से मिलता जुलता फार्मूला है। देख लो, इसको मैं के मान लेता हूं ना, ये भी तो एक दिए गए तार के लिए नियतांक है। तो 1/2 ये के मान लो, वहां एक्स स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होती थी, यहाँ डेल्टा एल तार की लंबाई में वृद्धि है। तो बेटा तार की स्थितिज ऊर्जा और स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा का फार्मूला सेम होता है। और एक और बात याद दिलाऊं,
आपको याद हो स्प्रिंग का भी नियतांक है ना लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता था, यहाँ भी एल देखो नीचे ही आ रहा है, तो काफी मिलता जुलता है एक स्प्रिंग का और एक तार का व्यवहार। बिहेवियर ऑफ ए स्प्रिंग एंड वायर आर आइडेंटिकल, दोनों सेम है। चलो बहुत देर हो गई, क्वेश्चन नहीं किया, इसके बाद क्वेश्चन नहीं हुआ। अभी एनर्जी पर ही क्वेश्चन दूंगा बेटा, एनर्जी पर ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बेटा 2 मीटर लंबा एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, छत से लटकाकर 20 किलो का द्रव्यमान नीचे लटका दिया। वायर की लेंथ है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ऊपर छत से लटकाया और नीचे 20 किलो का द्रव्यमान लटका दिया बेटा, 20 किलो का भार लटका दिया। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 2 × 10^11। तो बताइए इस वायर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, बताओ इस तार में कितनी स्थितिज ऊर्जा एकत्रित होगी। सीधे सीधे फार्मूले में वैल्यू रखनी है बेटा, इसलिए ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस साक्षी बेटा 0.7 जूल है क्या ये? बेटा मात्रक बता दो, जैसे जतेंद्र ने जूल लिखा है ना, ठीक है साक्षी, ओके बेटा। मनीष का 0.2, जतेंद्र का 0.2 जूल आ रहा है और साक्षी का 0.7 जूल आ रहा है। चलिए आप अपन करते, भाव्य का भी 0.2 है, भावना का भी 0.2 है, चरणजीत का 0.2, चलो बेटा करते हैं, है ना। हाँ कौन सा फार्मूला ले, वाई पता है, ए पता है, एल पता है और एफ पता है। हाँ पहले डेल्टा एल निकाल लेते हैं, फिर डेल्टा एल को इसमें पुट कर देंगे, इसमें एफ तो एमजी के बराबर हो ही जाएगा, है ना। तो बेटा डेल्टा एल आपको निकालना बताया था ना,
क्या था बताओ, फार्मूला बताओ, एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू वाई ए, है ना। एफ एम जी आएगा, एम जी 200 न्यूटन आएगा, लंबाई 2 मीटर है, वाई 2 गुना 10 की घात 11 है, और एरिया 10 की घात माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 है, तो 5 और 2 7, नहीं सॉरी, नीचे बची प्लस 5, ऊपर गई माइनस 5, तो 2 गुना 10 की घात माइनस 3, सही लिखा है। yes, अब इसकी वैल्यू यू में रख दो, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, एफ तो 200 है, डेल्टा एल है 2 गुना 10 की घात माइनस 3, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 0.2 जूल। वाह शाबाश, चलो कैलकुलेशन में गलती नहीं की, अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, गुलेल जानते हो, गुलेल? यस सर, यस सर। कभी काम में लिए? यस सर, बंदर मारते बार। बंदर वाला? यस सर, एक का तो सर पे लगा था मेरे से, ये सिर फोड़ने में काम वाला लगता है फिर तो। सुनो उस पर एक क्वेश्चन, हाँ वो भी बोल सकता है, दीदी तेरा देवर दीवाना। यस सर, हाँ पत्थर पत्थर क्यों फेंकते हो, फूल फेंको भाई। तो बच्चों एक गुलेल है, उसका जो रबर कोड है, रबर जो है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कितनी 10 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ ए रबर कोड इन्हें कैटापल्ट, क्या बोलते हैं गुलेल को इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? तो बोलती बंद हो गई, साथ चलाते टाइम सोचा नहीं था तो इंग्लिश पता नहीं। कैटापल्ट बोलते हैं। तो बच्चों एक गुलेल है, उसमें जो रबर है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसका क्रॉस सेक्शन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, और इस रबर का वाई दिया हुआ है 5 गुना 10 की घात 8, ये तीन चीजें दी है। एक गुलेल है उसमें जो रबर बैंड होता है उसका अनुप्रस्थ काट 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, और वाई है 5 गुना 10 की घात 8। बेटा इस गुलेल को, इस रबर को हमने खींचा और हमने इसकी लंबाई बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर कर दी, और खींचकर एक पत्थर को फेंका, और उस स्टोन का मास जो है वो 5 ग्राम है, कितना बेटा? 5 ग्राम के पत्थर को गुलेल से फेंका, गुलेल को हमने 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर लंबाई कर दी, तो पत्थर कितने वेग से गुलेल से बाहर निकलेगा ये बताओ, पत्थर का प्रारंभिक वेग बताओ कितना होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो बेटा, एक कैटापल्ट है गुलेल, उसमें जो रबर कोड है उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और हमने खींचकर 12 सेंटीमीटर कर दिया, और 5 ग्राम के पत्थर को उससे फेंका, तो हमारे पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी बताओ क्या होगी। बेटा कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, कैलकुलेशन बाद में करना, पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे। बेटा हाँ, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, अभी अभी जो फार्मूला पढ़ा उसको हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर दो बस। रबर के अंदर जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होगी वो पत्थर को मिल जाएगी, तो ये वाली जो एनर्जी है ना बेटा, ये वाली एनर्जी इसको हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर करके वी निकाल लेना बस। चलो कैलकुलेशन तो आप ही करोगे भैया,
वैसे है ना फार्मूला ये वाला काम में लेना, इसमें सारी वैल्यू पता है अपन को, तो इसको हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर करोगे, हाँ जल्दी हो जाएगा। हाँ जी कुछ जवाब मिला? मनीष का है 200 मीटर पर सेकेंड, प्रियंका का 20√6, भावना का 18, चरणजीत का 20, अनुराग का 120 और पल्लवी का 20। तो बेटा बच्चों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, आप सुनो। हमारी जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है हाफ एफ नहीं वाई ए अपॉन एल, ये वाला फार्मूला था ना वो लगाएंगे, U बराबर हाफ वाई ए अपॉन एल डेल्टा एल का स्क्वायर। मैंने कहा था इसे पत्थर की गति ऊर्जा के बराबर कर देना, हाफ से हाफ कट गया। वाई है बेटा 5 × 10⁸, अनुप्रस्थ काट 10⁻⁶ है, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बेटा 0.1 मीटर होगा ये ध्यान रखना। और अगर आज इतना कुछ होने के बाद भी आप सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदल सकते तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपसे अपन से कुछ बनेगा है। बेटा लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर मैंने खींच दिया उस रबर को, तो लंबाई में वृद्धि हुई 2 सेंटीमीटर की। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, स्क्वायर करो और इसे एम वी स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया ना। द्रव्यमान है बेटा 5 ग्राम, इसे किलोग्राम में बदलो। अब ये सब तो करना ही पड़ेगा, अदला बदली यार, कब तक नहीं करेंगे ये काम। बेटा कैलकुलेट कर लेना, वी आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। दो बच्चों का सही था, भाव्या का सही है और धर्मेंद्र का सही है और पल्लवी का सही है, हाँ तीन बच्चों का सही था, चरणजीत का भी सही है। अच्छा दो बच्चों का बाद में आंसर आया होगा, ठीक है बेटा कैलकुलेट कर लो। देखो 8, 10⁸ में से 6 गए, 2 बचे, -4 ये बचे, -2 एक इधर आएगा, -1 और 3 इधर से आएगा, 2 500 × 4। यार एक मिनट रुकना मैं, अच्छा 5 से 5 तो कट गया ना, हाँ तो 4 × ये बचा -4 और -6, -10 और 11, 10 बची, 40, 420 सही है, सही है सही है सही है, नीचे वाला 0.1 और।
हेलो सर। हाँ बेटा, लिख लिया है ना? यस सर, चेक कर रही थी सर। नहीं बेटा, अभी तो मैं यही हूँ। बच्चे, इस चैप्टर में कुछ छोटी मोटी चीजें और बची हैं। हालांकि क्वेश्चन तो हम कितने ही कर सकते हैं, क्वेश्चन करने की कोई लिमिट तो है ही नहीं। एक क्वेश्चन और करो फटाफट, दो तीन मिनट बचे, इन्हें काम में लें। बेटा, हमारे पास एक मेटल वायर है जिसका यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस है 2×10^10। इस बार थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना, यंग्स मॉडुलस है। और इसका जो स्ट्रेन है ना बेटा, स्ट्रेन विकृति, वो है 6×10^-4। वाई दे रखा है, स्ट्रेन दे रखा है, हमें निकालना है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा, बताओ। बस आज लास्ट क्वेश्चन है ये, एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा। मनीष का आया है 10^-6, तो नहीं आएगा बेटा, कुछ गड़बड़ कर गए आप। जतिंदर, मनीष का है 3600, आकृति का है 72×10^2, यानी कि 7200 है ना, और कैलाश का है 3600, चरणजीत का 3600। तो 3600 आएगा या 7200 आएगा, ये कंफर्म कर लेते हैं हम, देखते हैं ना। बेटा, आपको याद है ना, एनर्जी जो होती थी वो 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होती थी, इनटू वॉल्यूम। तो बेटा, हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो ये आएगा 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस को एफ अपॉन ए लिख दो और स्ट्रेन को डेल्टा एल बाई एल लिख दो। अब अपन को क्या नहीं पता, स्ट्रेन तो डायरेक्ट पता है, और एफ को लिख दो ना वाई ए अपॉन एल। क्या होता था एफ, क्या होता था बेटा, वाई ए अपॉन, अच्छा अपन यू का ये वाला, नहीं नहीं नहीं, लेकिन उसमें ए और एल आएगा, रुक जाओ पूरा करने दो। ये हो जाएगा 1/2, तो F होता है बेटा वाई ए बाई एल डेल्टा एल, है ना, F होता था वाई ए बाई एल डेल्टा एल, यस। तो F अपॉन ए वाई अपॉन एल डेल्टा एल हो जाएगा। तो F अपॉन ए को मैं लिख रहा हूं
एफ अपॉन ए को मैं लिख रहा हूं वाई अपॉन एल डेल्टा एल, और ये डेल्टा एल बाई एल। तो कुल मिलाकर हमारा ये फार्मूला बन गया एक बटा दो वाई डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखो बेटा, वाई हमें दे रखा है दो गुना दस की घात दस, और डेल्टा एल बाई एल छह गुना दस की घात माइनस चार, इसका होल स्क्वायर। तो दो से दो काट दो, तो ये आ गया बेटा 3600 आ गया जूल पर मीटर क्यूब। बच्चों एक बार देखो यार, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि थोड़ा सा तो मैंने ऐसे फटाफट सा कर दिया। ठीक है सर, सही है सर, सही है ना पक्का? यस सर। चलो तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, कल मिलेंगे। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा, और इसके बाद सरफेस टेंशन शुरू करूंगा बेटा, है ना? इसके बाद सरफेस टेंशन।